हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझेंगे, अर्थात आज की क्लास ट्रांजिस्टर के बारे में रहने वाला है। प्यारे बच्चों अगर आज आपने ये क्लास शुरू से लेके अंत तक देख लिया तो प्यारे बच्चों आपकी यूपी बोर्ड 2023 का जो आप एग्जाम देने जा रहे होंगे उसमें आपके 5 नंबर पक्का हो जाएगा। भाई 5 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड के एग्जाम में जब आज की जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां से आपके 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर का एक प्रश्न श्योर है, अनिवार्य है प्यारे बच्चों, बनना ही बनना है। तो चलिए 5 नंबर पानी के लिए प्यारे बच्चों आज की क्लास आपके नाम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, आखिर ट्रांजिस्टर क्या होती है। तो अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, एक प्रकार की उपकरण होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक को मिलाकर बना होता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि ट्रांजिस्टर एक अर्ध ट्रांजिस्टर जो होता है एक उपकरण होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो किसका बना होता है प्यारे बच्चों, जो पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक को मिलाकर बनाया जाता है और इसका उपयोग हम ट्रायोड वाल्व के स्थान पे करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि ट्रायोड वाल्व के स्थान पे हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। आखिर ट्रायोड वाल्व क्या होता है, प्रश्न यहां ये उठता है कि ट्रायोड वाल्व क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ट्रायोड वाल्व जो होता है वो कैथोड से एनोड की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करता है, नियंत्रण करता है। मतलब कह दें कि ट्रायोड वाल्व एक ऐसे छिद्र के का एक ऐसे छिद्र के बराबर होता है, या हम ऐसे समझें कि जैसे हमने क्या कहा था वाल्व, जैसे हम लोगों ने देखा होगा साइकिल हो गई मोटरसाइकिल हो गए तो वहां छुच्ची में वाल्व लगा होता है, क्या करता है कि वो बाहर की हवा को अंदर जाने देता परंतु अंदर की हवा को बाहर नहीं आने देता। ये वाल्व वाल्व का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मतलब अपने अंदर जाने देगा बाहर आने की इजाजत नहीं देता। तो ट्रायड वाल्व क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्रायड वाल्व एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का नियंत्रण करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रायड वाल्व की बात आई तो यहां हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या परिभाषा दे देंगे कि कैथोड से क्या, कैथोड से एनोड की तरफ क्या, कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाले क्या प्यारे बच्चों, कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या, जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का नियंत्रण करना, संख्या का नियंत्रण करना प्यारे बच्चों किसका काम होता है भाई, ट्रायड वाल्व का काम होता है। अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि भाई ट्रायड वाल्व का काम क्या होता है, कैथोड से एनोड की तरफ जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या पे नियंत्रण कौन करता है भाई, ट्रायड वाल्व करता है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं एक बार फिर से चलते हैं प्यारे बच्चों जो चीजें हमने पढ़ी थी एक बार पूरा उनके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी खोज 1948 में ट्रांजिस्टर की जो खोज हुई वो किस सन में हुआ था प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर की जो खोज हुई थी वो सन 1948 में हुआ था, किस ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों, 1948 में इसका आविष्कार हुआ था। किसका, ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ वो किस सन में हुआ था, 1948 में हुआ था। और कौन वैज्ञानिक किए थे प्यारे बच्चों, बॉर्डिन और सोकले और बेरिन, तीन वैज्ञानिक थे, कौन थे प्यारे बच्चों, इनके जो आविष्कारक थे ना वो थे बॉर्डिन, क्या कौन थे प्यारे बच्चों, बॉर्डिन, फिर सोकले, क्या प्यारे बच्चों, सोकले थे, फिर उसके बाद बेरिन थे, ये तीन वैज्ञानिक थे। ये तीनों वैज्ञानिक जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1948 में किया था, अर्थात कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार
अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक बार्डीन, सोकले और बेरिन ने सन 1948 ईस्वी में किया था और इसी आविष्कार के कारण इन्हें 1956 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 1956 यानी इसी आविष्कार के लिए सन 1956 में इन्हें नोबेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? बार्डीन, सोकले और बेरिन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्हें सन 1956 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्या आपकी इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर क्या होता है? यहां लिखा गया है कि यह पी और एन प्रकार के अर्धचालक से बनी हुई एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायड वाल्व के स्थान पे क्या होती है, प्रयुक्त होती है, मतलब प्रयोग की जाती है। ट्रायड वाल्व क्या होता है प्यारे बच्चों? कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का नियंत्रण करता है, वो आपका ट्रायड वाल्व होता है प्यारे बच्चों। अब ट्रांजिस्टर की खोज सन 1948 में हुआ था, किसने किसने किया था? बॉर्डिन, सोकले और बेरिन, कहां के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। भाई इस खोज के लिए इन्हें सन 1956 में एक पुरस्कार दिया गया, जो पुरस्कार था प्यारे बच्चों नोबेल पुरस्कार। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है। भाई ट्रांजिस्टर आपका दो प्रकार का होता है, सबसे पहला होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। प्यारे बच्चों ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। आइए हम उन दोनों ट्रांजिस्टरों की डायग्राम और साथ में उन दोनों ट्रांजिस्टरों की परिभाषा हम समझेंगे और वो जो इनकी क्रियाविधि है, वो क्रियाविधि इनके समझने के बाद हम एक एक की क्रियाविधि अलग अलग से समझेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों 5 नंबर का क्रियाविधि समझ आपके एग्जाम में आता है, तो भाई हम उसको अलग से, खूब लंबा वीडियो हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको आना चाहिए, बस ध्यान से देखिए। अब हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, नाम से ही परिभाषा दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार की जो ट्रांजिस्टर होती है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में 2N प्रकार का अर्धचालक होता है और बीच में एक पी प्रकार का अर्धचालक लगा होता है। प्यारे बच्चों ये ध्यान देखिए, 2N अर्धचालकों के बीच में एक पी अर्धचालक लगा हो तो ऐसा ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। यानी हम परिभाषा दे सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में इस प्रकार के अर्धचालक में, इस प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, इस प्रकार के अर्धचालक में 2N अर्धचालकों के मध्य में, 2N अर्धचालकों के बीच में एक महीन तरास का, महीन मतलब एक पतला सा पी अर्धचालक दबा होता है, यानी पी अर्धचालक रखकर बनाया जाता है। प्यारे बच्चों एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है 2N अर्धचालकों के मध्य एक पी अर्धचालक रख के बनाया गया ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। ध्यान से देखिए, अब आपके सामने ये चित्र बनाया गया, देखिए 2N है और N के बीच एक पतला सा पी अर्धचालक रखा गया है। प्यारे बच्चों अब हम अगली बात को कहेंगे, जो यहां इसका आपका जो ये पी होता है, पी के ये दाएं हैं और ये पी के क्या है प्यारे बच्चों? बाएं, ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष। तो अगर मैं बोलूं जो एन पी होता है, ये देखिए प्यारे बच्चों, पी के दाएं ओर का जो भाग होता है वो संग्राहक होता है और पी के बाएं भाग का जो होता है वो उत्सर्जक होता है। प्यारे बच्चों उत्सर्जक का मतलब होता है कि जो आवेश वाहकों का उत्सर्जन करे, जो आवेश वाहकों का निर्माण करे उसे हम उत्सर्जक कहते हैं, और जो आवेश वाहकों को कलेक्ट करे, जो आवेश वाहकों का संग्रहण करे, आवेश वाहकों को एकत्रित करे उन्हें हम संग्राहक कहते हैं। प्यारे बच्चों तो ध्यान से समझिएगा, तो पी के जो बाई ओर यन होता है वो उत्सर्जन करता है, मतलब ये यन आवेश वाहकों को उत्सर्जन करता है, इसलिए इसे उत्सर्जक का नाम देते हैं, और ये कलेक्ट करता है इसलिए इन्हें हम क्या का नाम देते हैं? संग्राहक। और प्यारे बच्चों ये दोनों यन जो है वो पी प्रकार के अर्धचालक से जुड़े होते हैं, पी वालों को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब आगे समझिए प्यारे बच्चों, अब हमने क्या कहा कि ध्यान से देखना, इसका जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एनपी संधि होती है, जो एनपी संधि होती है वो बैटरी के साथ, बैटरी वीईबी यहां नाम दे दे और यहां बैटरी वीसीबी नाम दे दे। तो ध्यान से देखना,
जो एनपी संधि होती है वो एनपी संधि अग्र अभिनत में होता है, और जो पीएन संधि होता है वो कौन से अभिनत में होता है प्यारे बच्चों, पश्च अभिनत में होता है। यानी कहने का मतलब है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो एनपी संधि होता है वो अग्र अभिनत में होता है, और जो पीएन संधि होता है वो पश्च अभिनत में होता है। यानी कहने का मतलब है कि आधार के बाएं ओर का, आधार के बाएं ओर का जो एन सिरा होता है वो माइनस से, और जो पी वाला सिरा होता है वो क्या होता है, प्लस से जुड़ा होता है, इसलिए तो हम इसे अग्र अभिनत कहते हैं। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, आधार के बाएं ओर की एनपी संधि, आधार के बाएं ओर की एनपी संधि अग्र अभिनत, और दाएं ओर की पीएन संधि पश्च अभिनत प्रदान किया जाता है। इस प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो है परिपथ होता है, इस प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। अभी हम इनकी क्रियाविधि को समझेंगे अलग से, पहले अब हम समझ लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इस देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है कि इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें दो पी क्षेत्रों के मध्य, दो पी अर्धचालकों के मध्य एक एन अर्धचालक हो, जब दो पॉजिटिव अर्धचालकों के मध्य एक निगेटिव अर्धचालक को दबा के रखा जाता है, तो इस प्रकार बना ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर कहलाता है भैया, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। मतलब इस प्रकार के अर्धचालक में दो पी अर्धचालकों के मध्य एक महीन तरास का एन अर्धचालक दबा होता है, इसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पहला वाला पी होगा मतलब आधार के बाएं तरफ का पी उत्सर्जक होता है, आधार के दाएं तरफ का पी संग्राहक होता है, मतलब ये आवेश वाहक का उत्सर्जन करता है, ये आवेश वाहक को कलेक्ट करता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब अगली बातें क्या होती हैं, अगली बातें ये होती है कि आधार के बाईं ओर का जो पीएन संधि होता है, आधार के बाईं ओर का पीएन संधि अग्र अभिनत, और आधार के दाईं ओर का एनपी संधि उत्क्रम अभिनत प्रदान किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं प्यारे बच्चों, आधार के बाएं ओर की जो पी एन होता है वो अग्र अभिनत में होता है, और जो एनपी होता है वो उत्क्रम अभिनत में होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ट्रांजिस्टर के प्रकार हमारे समाप्त होते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बातें करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, और साथ में वो ये समाप्त करने के बाद इसकी क्रियाविधि समझेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक ये सारा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, आगे भी समझ में आएगा प्यारे बच्चों। वीडियो काफी लंबी हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको समझ में आना चाहिए, एक एक लाइन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमारी नेक्स्ट टॉपिक है पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि। प्यारे बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एग्जाम में मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं भाई, 5 नंबर का एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि को समझाइए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाएंगे। सर्वप्रथम हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। पी में क्वार्टर ज्यादा होते हैं तो दोनों तरफ, प्यारे बच्चों यहां पर पी क्षेत्र में हम क्वार्टर दिखा दिए, यहां पर भी पी क्षेत्र में क्वार्टर दिखा दिए, और एन क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम अपने आप समझने के लिए, आसान बनाने के लिए, जो रिक्त स्थान है उन्हें हमने क्वार्टर नाम दिया है, और जो रिक्त स्थान नहीं मतलब जिसके स्थान बीच में खाली जगह नहीं है, जो ठोस रूप से भरे हुए हैं उसे हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। अर्थात ये वाले सिंबल इलेक्ट्रॉन को व्यक्त कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, परंतु ये वाला सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल सारे क्वार्टर को दे रहे हैं, क्वार्टर व्यक्त कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो पहला पीएन संधि होता है वो अग्र अभिनत होता है, और एनपी संधि जो होती है वो पश्च अभिनत होता है। प्यारे बच्चों अब लिखना कैसे रहता है, अभी मैं सारी चीजें बता दूंगा, ध्यान से समझिएगा। उससे पहले जो चीजें आपको लिखना है वो सारी चीजें आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, ये इतनी चीजें पूरा एग्जाम में आपको लिखना है प्यारे बच्चों क्रिया विधि में।
यहां पर आपको टोटल आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, एक एक लाइन हम समझाते चलेंगे और आप एक एक लाइन जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा उससे मिलाते चलिएगा। क्या आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए ध्यान से समझिए कि जब ध्यान से देखना कि जब पीएनपी ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर के पीएन संधि को अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है, ध्यान से समझिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के पीएन संधि को अग्र अभिनत में जोड़ देते हैं और जैसे ही अग्र अभिनत में जोड़ेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पी क्षेत्र का सारा क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं, इस पी क्षेत्र का सारा क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं और एन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। प्यारे बच्चों क्या आप इतनी बात समझ पाए? क्या यहां तक बात क्लियर हुई? हमने क्या बोला कि जब किसी पीएनपी ट्रांजिस्टर के जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो पीएन संधि होता है वो अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र का सारा क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र का सारा इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। ठीक, इतनी बात समझे। एन क्षेत्र काफी पतला होता है, यन क्षेत्र काफी पतला होता है, इसी कारण पी क्षेत्र का लगभग, अगर मैं मानूं कि यहां से 100 क्वार्टर जा रहे थे, कितने क्वार्टर जा रहे थे? 100 क्वार्टर जा रहे थे, तो यन क्षेत्र काफी पतला है जिसके कारण लगभग 98 क्वार्टर जो है संग्राहक में पहुंच जाते हैं और जो 2 क्वार्टर बचते हैं, जो 2% क्वार्टर बचते हैं वो एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। क्या आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, जब पीएन संधि को अग्र अभिनत में जोड़ दिया तो पी क्षेत्र के सारे क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगे। मतलब भैया जैसे इनको हमने बारात के लिए तैयार कर दिया, जब इनको पूरे कपड़े उपड़े मिल गए अच्छे तरीके से, तो भैया लड़का वाला पार्टी लड़की और लड़की लड़की की पार्टी लड़की की तरफ नहीं आता, ऐसा नहीं बोलने का है। तो ध्यान से देखना, मैंने बोला कि पी क्षेत्र का सारा क्वार्टर यन में और यन क्षेत्र का सारा इलेक्ट्रॉन पी की ओर जाने लगे, परंतु बीच रास्ते में इन दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों की मुलाकात हुई तो यन क्षेत्र काफी पतला था इसलिए लगभग 2% जो क्वार्टर थे यन वाले इलेक्ट्रॉन से संयोग करके क्या हो गए? उदासीन हो गए और लगभग 98% क्वार्टर संग्राहक में पहुंच गए। क्या यहां तक स्टेप क्लियर हो गई? भाई बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए ध्यान से देखिए अब क्या होता है, क्या होता है कि जब यहां से उदासीन हो गए ना, अब क्या होगा? तो बैटरी के इसी समय जब इलेक्ट्रॉन क्वार्टर से संयोग करके उदासीन हो रहे हैं उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में क्या कर जाते हैं? एंट्री मार जाते हैं, आधार में प्रवेश कर जाता है। अब ज्यों ही इलेक्ट्रॉन यहां आधार में प्रवेश करेगा त्यों ही ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ई पे आ जाता है। मतलब ज्यों ही इलेक्ट्रॉन आधार में प्रवेश करेगा त्यों ही ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़कर बैटरी वीईबी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। अब बताओ भैया, जब यहां बैटरी वीईबी के धन सिरे पे प्रवेश कर जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के जगह क्या उत्पन्न हो जाएगा? क्वार्टर। क्या उत्पन्न हो जाएगा? क्वार्टर उत्पन्न हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इस क्वार्टर को खाली, इस ये जो क्वार्टर उत्पन्न होगा ये क्वार्टर किधर की तरफ चलने लगेंगे? ये जो क्वार्टर होगा वो आधार की ओर चलने लगेगा। ध्यान से देखिए, यहां पहले कौन रहता था? इलेक्ट्रॉन रहता था, परंतु ज्यों ही आधार से इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया त्यों ही ये वाला आधार बैटरी के धन सिरे से उदासीन हो गए और यहां क्वार्टर उत्पन्न हो गए और ये क्वार्टर आधार की ओर चलने लगेंगे, जिसके कारण इस अग्र अभिनत में एक क्षीण धारा, एक नामात्र का धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम आईबी धारा कहते हैं। क्या आप इतनी बातें समझ पाए प्यारे बच्चों? क्या आप इतनी बातें आपकी क्लियर हो पाई? चलिए अब हम अगली स्टेप में बढ़ेंगे जब पश्च अभिनत की बात होती है। तो प्यारे बच्चों एनपी संधि पश्च अभिनत में होता है जिसके कारण
क्षेत्र का, यानी जिसके कारण उत्सर्जक का आया हुआ 98% क्वार्टर, उत्सर्जक से आया हुआ 98% क्वार्टर और संग्राहक में पहले से उपस्थित क्वार्टर बैटरी के ऋण सिरे से, बैटरी के ऋण सिरे, बैटरी वीसीबी के ऋण सिरे से उदासीन हो जाते हैं। और जिस समय प्यारे बच्चों ये क्वार्टर इस ऋण सिरे से उदासीन होते हैं ना, उसी समय उसी क्षण पी क्षेत्र में सहसंयोजक बंध टूट जाता है। क्या हो जाता है? पी क्षेत्र में सहसंयोजक बंध टूटता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन और एक क्वार्टर उत्पन्न होता है। और जो इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर उत्पन्न होंगे प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बैटरी वीईबी के ऋण सिरे की ओर चलने लगेगा, बैटरी वीईबी के ऋण सिरे की तरफ चलेगा, और जो क्वार्टर होगा वो आधार की ओर जाएगा, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होगी प्यारे बच्चों। वो धारा कौन सी होगी? आईसी होगी। क्या आप समझे? इस प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा उत्पन्न होती है, इस प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी क्या बोल के चले गए, क्या नहीं बोले, कुछ समझ में ही नहीं आया। प्यारे बच्चों थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, इसलिए कम समझ में आता, परंतु एक बार आप लोगों के लिए मैं फिर से प्रयास करूंगा। आज हम लोग जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही सिद्धांत है। आप लोग पुष्पा मूवी देखे होंगे तो वहां से ये सीख लेंगे कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ध्यान से समझना। अब भैया एकदम सरल वाले लैंग्वेज में बोलूंगा, एकदम जिसको थोड़ी सी ठेठहू वाली भाषा से परेशानी हो वो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग उस शब्द का उपयोग करने वाले हैं जिन शब्दों की उच्चारण बहुत कम किए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा भैया, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गए, मंच एकदम तैयार है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के पहले वाले पीएन संधि को अग्र अभिनत में जोड़ देते हैं और दूसरे वाले एनपी संधि को पश्च अभिनत में जोड़ उड़कर एकदम तैयार हो गए। जैसे ही पीएन संधि को अग्र अभिनत में जोड़ा तो हमने देखा कि पी क्षेत्र का सारा क्वार्टर, पी क्षेत्र का सारा क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर जाने लगे, इस एन में, यानी उत्सर्जक का सारा क्वार्टर आधार की ओर जाने लगे और आधार के सारे इलेक्ट्रॉन क्वार्टर, आधार के सारे इलेक्ट्रॉन किधर आने लगे प्यारे बच्चों? उत्सर्जक की ओर आने लगे। मतलब इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगा, इधर का क्वार्टर इधर की तरफ जाने लगा। पता चला कि यन क्षेत्र काफी पतला है। अब यन क्षेत्र काफी पतला है तो भैया सारे क्वार्टर तो यन क्षेत्र में आ नहीं सकते, तो सारे क्वार्टर लगभग 2% क्वार्टर यन में रह जाते हैं और 98% क्वार्टर संग्राहक में चले जाते हैं। संग्राहक में चले गए तो 2% जो क्वार्टर होगा वो एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लेगा, ये क्वार्टर और ये इलेक्ट्रॉन संयोग कर लेगा और संयोग करके क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। ए भैया जब ये उदासीन होते हैं ना, उसी समय बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से एक खो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आधार में क्या कर जाता? प्रवेश कर जाता। अब बताओ जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आधार में प्रवेश किया वैसे ही यहां पर एक क्या रहता था? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहता था। तो ध्यान से देखना, जो ही एक इलेक्ट्रॉन आधार में प्रवेश करता है त्यों पी क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन, पी क्षेत्र का एक इलेक्ट्रॉन बैटरी वीईबी के धन सिरे से उदासीन हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का पत्ता गोल हो जाएगा यहां से। अब यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? क्वार्टर, और ये भी क्वार्टर इस प्लस के कारण इधर की तरफ जाने लगेंगे, क्वार्टर आधार की तरफ जाने लगता है और जिसके कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है प्यारे बच्चों, जिस धारा को हम आईबी से डिनोट करते हैं। क्या आप इतनी बात समझे? अब हम आगे बात करेंगे। जब हमने एनपी संधि को पीएन को तो अग्र में जोड़ा था, परंतु इस एन और इस पी को किस में जोड़ा था भाई? पश्च अभिनत में। किस में जोड़ा था? पश्च अभिनत में। तो भैया जब हम एनपी को पश्च अभिनत में जोड़ ही दिए थे तो पी का आया क्वार्टर और पहले से उपस्थित क्वार्टर, मतलब उत्सर्जक से आया क्वार्टर और संग्राहक में उपस्थित क्वार्टर, सारे क्वार्टर यहां इकट्ठे हो गए और ये सारे क्वार्टर इस कलेक्टर के पास जाने लगे, मतलब बैटरी वीसीबी के ऋण सिरे के पास जाने लगे, और बैटरी वीसीबी का ऋण सिरा सारे क्वार्टरों को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। भैया उदासीन तो हो गए, परंतु जब यहां उदासीन की कहानी चल रही है तो उसी समय ना यहां पर एक खुद सहसंयोजक बंध टूट जाता है। क्या टूटता है?
सहसंयोजक बंध टूटता है, और सहसंयोजक बंध टूटने के बाद ना एक को इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, क्वार्टर उत्पन्न होता है। क्वार्टर बाबू किधर जाने लगते हैं, उधर संग्राहक की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगते हैं, बैटरी के वीईवी के धन सिरे की ओर आने लगते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, धारा, जिसे हम आईसी धारा से डिनोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर कार्य करता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूंगा कि आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पूरे मक्खन के जैसा क्लियर हो गया होगा। आपके जो मैंने बोला था कि स्क्रीन पे लिख के दिखाई पड़ा होगा, आप वहां से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, हमारी लास्ट टॉपिक क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। प्यारे बच्चों, ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का ही पूछता है। दोनों एनपीएन और पीएनपी दोनों में से एक आपके एग्जाम में चाहे जो पूछ ले। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब क्या है कि जो इसकी क्रियाविधि है वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आइए हम उनको समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्यारे बच्चों, बस इसी सिद्धांत से ये लास्ट टॉपिक समझ लो आप, बस ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया कि जो रिक्त स्थान है वो क्वार्टर है, और जो रिक्त स्थान नहीं है वो इलेक्ट्रॉन है। बस, यानी कहने का मतलब है ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन है और ये क्वार्टर है। अब जब हम किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो एनपी संधि होती है, जो एनपी संधि होती है, इस एनपी संधि को हम लोग कौन सा अभिनत प्रदान करते हैं, अग्र अभिनत प्रदान करते हैं। कौन सा अभिनत प्रदान करते हैं प्यारे बच्चों, अग्र अभिनत। यानी जब एनपीएन ट्रांजिस्टर का एनपी संधि अग्र अभिनत में जोड़ दिया जाता है तो एन क्षेत्र का सारा इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर और पी क्षेत्र का सारा क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। क्या इतनी बात आप समझे, एक बार फिर से, जब किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर का एनपी संधि अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है तो एन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र में रहने वाले सारे इलेक्ट्रॉन पी की ओर और पी का सारा क्वार्टर एन की ओर चलने लगता है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई। अब पी क्षेत्र काफी पतला होता है, पी क्षेत्र काफी पतला होने के कारण यन क्षेत्र के लगभग 2% इलेक्ट्रॉन यहां पर रहते हैं और 98% इलेक्ट्रॉन संग्राहक में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है प्यारे बच्चों, संग्राहक में पहुंच जाते हैं। क्या आप कितनी बातें क्लियर हुई। मैंने क्या बोला कि यहां से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में गए और पी क्षेत्र के क्वार्टर यहां पर गए, परंतु पी क्षेत्र काफी पतला होता है जिसके कारण लगभग 2% इलेक्ट्रॉन यहां पर रहते हैं और 98% इलेक्ट्रॉन संग्राहक में चले जाते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो 2% यहां इलेक्ट्रॉन है, 2% इलेक्ट्रॉन क्वार्टरों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। 2% इलेक्ट्रॉन क्वार्टरों से संयोग करके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अब ज्यों ही क्वार्टर इलेक्ट्रॉन से संयोग करके क्या हो जाता है, उदासीन होता है, त्यों ही बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रवेश करता है। बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब देखिए, जैसे ही ये क्वार्टर और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये क्वार्टर क्या करते हैं, संयोग करते हैं, जैसे ही ये दोनों संयोग करते हैं, उदासीन होते हैं, वैसे ही बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यंग क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ही ये यंग क्षेत्र में प्रवेश करेगा वैसे ही प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलने लगेगा, प्यारे बच्चों, जिसके कारण अग्र अभिनत में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या आपकी इतनी बातें क्लियर हुई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर संयोग करते हैं वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पर बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जो कि उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है और जो कि आगे की तरफ चलने लगता है, प्यारे बच्चों आधार की तरफ जाने लगता है, जिसके कारण अग्र अभिनत में धारा उत्पन्न होती है जिसे हम आईबी का नाम देते हैं। क्या आपकी इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे ध्यान से समझिए, अब हम उत्क्रम अभिनत में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं प्यारे बच्चों, उत्क्रम अभिनत में। तो ध्यान से देखना कि
उत्सर्जक से आया हुआ 98% इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जक से आया हुआ 98% इलेक्ट्रॉन और पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी वीसीबी के, बैटरी वीसीबी के धन सिरे से उदासीन हो जाते हैं। बैटरी वीसीबी के धन सिरे से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, उदासीन हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, जो ही यहां पर उदासीन होंगे त्यों ही क्या होता है, ध्यान से देखना, त्यों ही क्या होता है, यहां पर सहसंयोजक बंध टूटता है। त्यों ही उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूटता है जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन आधार की तरफ चलने लगता है और जो सॉरी एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि जो ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वो संग्राहक ये बैटरी वीसीबी के धन सिरे से उदासीन होंगे, वैसे ही यहां पर सहसंयोजक बंध टूटेगा। सहसंयोजक बंध टूटने के कारण एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर उत्पन्न होगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आधार की तरफ चलने लगेगा, इधर की तरफ जाने लगेगा, और जो कोटर होगा प्यारे बच्चों वो कोटर इधर की तरफ आने लगेगा, जिसके कारण इसमें भी एक धारा उत्पन्न हो जाती है। यही आपकी एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्या होती है, क्रियाविधि कहलाती है प्यारे बच्चों। आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि और पीएनपी ट्रांजिस्टर की जो क्रियाविधि है वो दोनों सेम है, थोड़ा सा आगे पीछे है प्यारे बच्चों। मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है कि आपको एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि बिल्कुल समझ में आ जाए, जिससे कि आपके एग्जाम में 5 नंबर कहीं भी समस्याएं ना आए। और मैंने आपको स्क्रीन पर लिख कर उसकी क्रियाविधि दिखाया है, आप वहां से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, वहां से आप समझ सकते हैं, वहां से याद कर लीजिएगा, वहां से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के लास्ट टॉपिक के साथ, तर्क द्वार जिसे हम लॉजिक गेट कहते हैं प्यारे बच्चों, वो लास्ट क्लास रहने वाला, उसी के साथ फिजिक्स आपकी समाप्त हो जाएगी। तब हम तमाम प्रकार की जो फिजिक्स के सेट हैं, मॉडल पेपर हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए, जैसे सभी वीडियो के साथ अपना प्यार बनाए हैं प्यारे बच्चों, प्यार बनाए रखिए। और वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।